और क्या हाल है सबके। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, जैसे कि मुझे अपनी एक न्यू वीडियो के लिए कंटेंट मिल सके, ऐसे तो करते हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा था और मुझे कुछ एक बहुत ही खतरनाक वीडियो मिली है। सो लेट्स सी क्या वीडियो है। पथरी कितना मज़ेदार शब्द है ना ये। इमेजिन करो कि आप सुबह उठ रहे हो और उठते ही किसी ने आपके मुंह पे बोला, पथरी, न दवा न ऑपरेशन, छू मंतर से पथरी का इलाज, सच या झूठ, पूरी रिपोर्ट देखिए। आहा, 500 रुपये बच गए। इसका एक बार म्यूजिक सुनना जरा, लग नहीं रहा कोई गेम ऑफ थ्रोन्स। या फिर एवेंजर्स एंड गेम की तरह हो। और महिला को सिर्फ पेट दबाने से पता चल गया कि पथरी कहां है। हैरत तो तब हुई जब पेट दर्द की शिकायत के बाद एक छोटे बच्चे को भी इसके सामने लेटाया गया और महिला ने बिल्कुल उसी तरह उसकी पथरी भी निकाल दी। ये इनके मम्मी पापा को अजीब नहीं लगता होगा, बच्चे के इतने छोटे बच्चे को कहां जा रहे हैं किसी औरत से पेट चुसवा दे। और ये कुछ वीडियो है जो लोग वहां पे इलाज कराने गए थे पथरी का, तो चलो उनके मुंह से ही सुनते क्या हुआ था वहां पे। मेरी आंटी को पेट में प्रॉब्लम थी, पथरी की शिकायत बताई गई थी। तो मालूम पड़ा कि रिलायता में एक माता जी वो जो इलाज करती है, तो वहाँ भी मैं लेके गया। सभी लोगों का यही कहना कि वहाँ निकलती है, पर मुझे तो, मैं जब मेरी आंटी को खुद लेके गया तो मुझे नहीं लगा कि माता जी पथरी निकाल रही है। अब हम आते हैं दूसरी वीडियो पे। ये एक ऐसी वीडियो है जो शायद शायद तुम्हें इंडिया की असली लेवल की बकचोदियों के बारे में बता दे। वीडियो शुरू होता है तो दो सफेद रंग के जीव एक कोने में दुबके हुए से खड़े दिखते हैं। जैसे ही कैमरा उनकी तरफ घूमता है और लोगों की आवाज सुनाई देती है, दोनों प्राणी एकदम से सचेत हो जाते हैं। इसे देख के लग नहीं रहा दो लोग किसी खंडर सी जगह में रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओयो नहीं मिला। दोनों बिल्कुल किसी इंसान की तरह खड़े हैं और दिखते भी वैसे ही हैं। दो हाथ, दो पैर और सिर सब, लेकिन इनके चेहरे की बनावट पक्षियों जैसी है। बड़ी बड़ी आंखें, सिर पर थोड़े से सफेद फर जैसे बाल और लंबी सी चोंच। जरा मेरे साथ ध्यान से सोचो, अगर तुम रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हो और अगर पप्पू ने सलामी दे दी और उसके बाद ऐसे तुम्हारे सामने कोई कैमरा लेके खड़ा हो जाए तो तुम्हारे पप्पू सलामी देना बंद कर देगा उसी वक्त। कैमरा जब इन दोनों से हटता है तो आसपास का नजारा भी साफ होता है। ऐसा लगता है ये दोनों किसी कमरे की छत पर खड़े हैं जहां शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट इज द बेस्ट। ओयो तो ओवररेटेड है भाई। और सीधा जीव जंतु के जानकार के पास पहुंचे क्योंकि हमें शक था ये कोई जीव जंतु ही हैं जिसे एलियन बताया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ ये कोई एक्सपर्ट एक्सपर्ट कुछ नहीं है, ये अपना टिंडर खोल के बैठे हैं, बस एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि भाई तेरे को क्या मैसेज आया, तेरे को क्या मैसेज आया, तेरे को किस लड़के ने मैसेज किया, तेरे को किस लड़की ने मैसेज किया, बस और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। चूतिया कट रहा है बस लोगों का। ये सारा एलियन एलियन वाली बकचोदी तो बहुत हो गई। अब मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिसे सुन के शायद जो माता पिता हैं बच्चों के वो बावड़े हो जाएंगे, बावड़े। सोशल मीडिया पर एक नए शोध के हवाले से कहा जा रहा है कि बच्चों के झूठ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बच्चे झूठ बोलते हैं वो बड़े होकर होशियार बनते हैं। एक बार इनके लिए जोर से तालियां बजा दो, जोर से एकदम। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं जैसे बिग बॉस देता है। ये टास्क ये है कि ये बताओ कि इस बच्चे की क्या कहानी है, क्या ये हंसेगा, रोएगा, झूठ बोलेगा या तो कुछ नहीं बोलेगा। न्यास करें, अब आप रो क्यों रहे? मैं नहीं रोता, मैं तो मजाक में रो रहा हूँ। मजाक में रो रहे? मुझे भी पता है ये तो कोई गंदा बच्चा रो रहा है भाई। आप तो मजाक में रोते हैं ना? पक्का मजाक में रो रहे थे? मैं तो मजाक में रो रहा।
अब मैं तुम्हारा ध्यान बच्चों से थोड़ा साइड करके इस न्यूज़ रिपोर्ट पर ले जाना चाहता हूँ कि ये बच्चों को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं। कि गप्पू, फेंकू, जुमलेबाज बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। हालांकि चीन में हुए शोध पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए हमने इस बारे में ऐसे लोगों से पूछताछ शुरू की जो बच्चों के साथ रहते हैं, उन्हें समझते हैं। बच्चों को झूठ बोलना शुरू ही से कभी भी नहीं इनकरेज करना चाहिए। जी हाँ, ये कर रहा है बच्चों के झूठ ना बोलने की बात। इसे देख के लग रहा है भी इसने 2 मिनट पहले झूठ बोला है। ये बच्चे एलियन तो चलता रहेगा, तो तब तक आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस, और थोड़ा घर पे रहो और वीडियो देखते रहो। पथरी।